सर्दियों के मौसम में लिट्टी चोखा ना हो ये होने वाली बात ही नहीं है। तो हम लोग के यहाँ बिहार में खासकर महीने में 2 से 3 बार इस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ सत्तू को अच्छे से लगा लिया है, उसके बाद आटे को गूँथ लिया है, और आटे के गूँथने के बाद छोटे छोटे शेप में इस तरह से लिट्टी बना लिया है। और इस तरह से आप लिट्टी बनाओगे तो बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो यह टिप्स ज़रूर अपना के देखना। अगर आपके पास कोई भी स्टैंड हो तो आप इस तरह से लिट्टी बना सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे अप्पम वाला स्टैंड थे तो इसमें मैं लिट्टी बनाई, बहुत ही यम्मी और टेस्टी कुरकुरे। एक बार ज़रूर बनाना, इतना अच्छा बन के रेडी होता है क्या ही मैं बताऊँ। तरफ आप देख सकते हो मैं तवे पे बैंगन और टमाटो को उस तरह से ढक दिया है ताकि वो अच्छे से पक के रेडी हो जाए। और यहाँ पे इस तरह से इसे पलटते रहना है ताकि एक तरफ ये जले ना, और मीडियम फ्लेम पे रखना है, उसे ढक्कन के हेल्प से ढक देना है। देखिए इस तरह से ये ब्राउनिश आपको दिख रहा है ना, ये ब्राउन ब्राउन और कुरकुरे बन के रेडी होते हैं। तो इन्हें कम से कम खड़े होके वहीं पे बैठ के पकाना होता है, नहीं तो वो जल जाएंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पर परफेक्ट लिट्टी बन के रेडी होता है। जब हम आग पे बनाते हैं तो इतना कुरकुरे नहीं बन पाते हैं जितना कि ये स्टैंड में बनाने से कुरकुरे बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया की चटनी भी लगा रखी हूँ, बैंगन के चोखे भी लगा रखी हूँ, और सभी के साथ यहाँ पे लिट्टी रेडी हो गए। तो इसमें घी को भी ऐड कर लिया है, और देखिए इस तरह से घी को एक दूसरे में आपस में मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसे दबाते हुए बीच से तोड़ लीजिए, उसमें घी को ऐड कर दीजिए, उस तरह से भी लिट्टियाँ बहुत अच्छे लगते हैं। पर हम यहाँ पे इसी तरह से डीप करते हैं, और मुझे डीप वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो घी को अच्छे से डीप कर लिया है, और मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, इस तरह से आप फोड़ लीजिए, इसमें घी को ऐड कर लीजिए, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सत्तू वाली लिट्टी बना के रेडी कर लिया है। उधर मैं बच्चों को खाना लगा रखी हूँ, और जो भी बाकी बची लिट्टी है उसे फिर से मैं सेक रही हूँ ताकि जो भी बचे हुए हैं वो अच्छे से सेक जाए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से फटाफट सेक रहे हैं, तो बारी बारी से इसी तरह से सेकेंगे। और मेरा आज का लिट्टी चोखा चटनी बनके रेडी हो गया है। साथ में यहाँ पे चटनी भी ऐड कर लिया है, चटनी से भी टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो साथ में बैंगन टमाटो की चोखा है, और देखिए इसी तरह से आज का रेसिपी यहीं तक। मिलते हैं अगले न्यू रेसिपी में नए ईयर में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।